अग्रसर होंगे। और हम आप सबसे आग्रह करते हैं, कुछ ही समय में माननीय मुख्यमंत्री जी मुख्य मंच की ओर अग्रसर हो रहे हैं। आप अपने स्थान पर बैठे रहें और शांति बनाए रखें। जो लोग सामने खड़े हो गए हैं और उनकी वजह से पीछे के दर्शकों को अगर सामने देखने में असुविधा हो रही है, हम उनसे भी आग्रह करते हैं कि आप अपने स्थान पर बैठ जाएं। और कुछ ही क्षणों में माननीय मुख्यमंत्री जी का आगमन मुख्य मंच पर होगा। वो एक एक करके सभी विभागों के स्टॉल्स का अवलोकन कर रहे हैं, साथ ही उप मुख्यमंत्री जी भी उनके साथ हैं, विधायक अभनपुर भी उनके साथ हैं और आरंग के विधायक भी साथ ही सभी विभागों का अवलोकन करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं। शासकीय विभिन्न योजनाएं, उनके लाभ जिन हितग्राहियों को मिलने हैं वे सुनिश्चित करते हुए आगे बढ़ते हुए सभी स्टॉल्स में माननीय मुख्यमंत्री जी का और उप मुख्यमंत्री जी का स्वागत भी किया जा रहा है और साथ ही वे भी हितग्राहियों को और लाभार्थियों को सम्मानित कर रहे हैं, उन्हें लाभ पहुंचा रहे हैं। रायपुर जिले के अभनपुर का ये बेंद्री ग्राम आज बहुत ही ऐतिहासिक अवसर का साक्षी बनने वाला है, जब इतने वृहद स्तर पर छत्तीसगढ़ शासन की नवनिर्वाचित सरकार के द्वारा जो जनहितकारी योजनाएं जारी की जा रही हैं उनका लाभ पहुंचाया जाएगा सभी किसानों को, माताओं को और वो तमाम हितग्राही जो इन योजनाओं के अंतर्गत लाभार्थी की श्रेणी में आते हैं, उन सभी को लाभ पहुंचाने के प्रयास की शुरुआत आज सुशासन दिवस के इस खास अवसर पर की जा रही है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, अनेक स्टॉल्स का अवलोकन करते हुए माननीय मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी, माननीय उप मुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा जी, माननीय विधायक अभनपुर इंदर कुमार साहू जी और साथ ही माननीय विधायक आरंग गुरु खुशवंत साहिब जी और साथ ही जन प्रतिनिधिगण और छत्तीसगढ़ शासन के अनेक अधिकारीगण भी वहां पर हैं। और अब माननीय मुख्यमंत्री जी साथ ही उप मुख्यमंत्री जी आगे बढ़ रहे हैं, वहां पर उपस्थित लोगों को उनका अभिवादन स्वीकार करते हुए वे आगे बढ़ रहे हैं। उन्नत टेक्नोलॉजी के माध्यम से अब कृषि के क्षेत्र में भी अनेक कार्य किए जा रहे हैं और उसी में ड्रोन का उपयोग होना भी शुरू हो चुका है। इसी के बारे में माननीय मुख्यमंत्री जी को जानकारी विभागीय अधिकारियों के द्वारा दिया जा रहा है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, इस तरीके के बड़े टेक्नोलॉजी पर आधारित ड्रोन भी तैयार हो चुके हैं जो खेतों में कीटनाशक के छिड़काव जैसे अनेक कार्य जिसे मनुष्य के द्वारा किया जाता था और बहुत समय लगता था, अब ये टेक्नोलॉजी गांव-गांव पर में भी पहुंचने वाली है, जिसमें इन ड्रोन्स के उपयोग से
ऐसे अनेक खेती से जुड़े कार्य जो हैं वो मशीन के माध्यम से होंगे, जिससे समय और श्रम दोनों बचेगा और इसका लाभ किसानों को होगा। और अब हम देख सकते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी, साथ ही उप मुख्यमंत्री जी साथ हैं और ये आगे बढ़ रहे हैं मंच की ओर। उनके आगे बढ़ने का सिलसिला लगातार जारी है और आज के इस खास अवसर पर, इस ऐतिहासिक दिवस पर उनका आगमन इस मंच पर यहाँ होने वाला है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं। हम आप सभी से आग्रह करेंगे कि जब मंच पर माननीय मुख्यमंत्री जी का आगमन हो तो तालियों की गड़गड़ाहट के साथ हम उनका, अपने मुख्यमंत्री और साथ ही उप मुख्यमंत्री महोदय और जनप्रतिनिधियों का स्वागत करें। और बस कुछ ही सेकंड्स में माननीय मुख्यमंत्री जी का आगमन यहां पर हो रहा है और आज के जो धान बोनस राशि वितरण समारोह का की शुरुआत भी यहां पर होगी।